इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान है वो है अपनी रीच को लेकर। भाई रीच बहुत ही ज़्यादा कम जा रही है। पहले हमारी रीच बहुत ज़्यादा मिलियंस में जाती थी, पर अभी हम अगर चेक करते हैं तो हमारी रीच सिर्फ थाउजेंड्स में ही जा रही है। क्या करना है? चुटकी बजाते आपकी रीच बढ़ जाएंगी। आपको जाना है सेटिंग्स में। हेलो दोस्तों, रीच को लेके आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने भी देखा होगा किसी किसी की रीच मिलियंस में जाती है, किसी किसी की रीच बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपकी रीच पहले बहुत मिलियंस में जाती थी, अब जाके चेक कर रहे तो डाउन ही होते जा रही है, मतलब बढ़ ही नहीं रही है। मान के चलिए 10 मिलियंस से तो अभी 7 मिलियंस हो गए, 5 मिलियंस हो गए, 2 मिलियंस हो गए, और अभी तो कुछ ऐसा है कि भी किसी किसी के सिर्फ 2-3 लाख में ही अटक गए। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो भाई ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, ठीक है? मैं आपको मोबाइल उस पर लेकर चलता हूँ किस तरीके से आप अपनी रीच को दोबारा बढ़ा सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, रीच डाउन हो रही है। सर ये अभी चल रहा है कि बहुत सारे लोगों की रीच नहीं, कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी रीच बढ़ रही है, आपके साथ क्या गलती हो रही है? इसके बारे में मैं आपको जानने के लिए मोबाइल उस पर इसलिए लेकर गया हूँ, ठीक है? वॉल्यूम कम। इंस्टाग्राम पर चलते हैं हम। इंस्टाग्राम पर मैंने पिछले वाला वीडियोज़ बनाया था जिसमें मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए कार्तिक चहल का वेरीफाइड अकाउंट था, 77 फॉलोअर्स है, 96 फॉलोअर्स भी है, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन या कोई आपकी पहचान का होगा, ठीक है, तो भाई वहाँ पर जाके आप पोर्टल के थ्रू भी डायरेक्टली वेरीफाइड ले सकते हो। वो वीडियोस जाकर आप पूरा जरूर देखना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पर ये वीडियोस पहले देख लीजिए। अगर मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये अपडेट किसी किसी को मिला है किसी को नहीं मिला, तो थोड़ा सा वेट जरूर करना और आप मुझे कमेंट जरूर करना ये अपडेट आपको मिला है या नहीं। कौन सा अपडेट? यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कॉलिंग का फीचर्स दिखाई दे रहा है, तो भाई एक नया फीचर्स आ रहा है लोगों के इसमें, ये पुराना भी आया था बीच में चले गया था फिर से कि आने लग गया। अगर मैं कॉलिंग पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए अलाउ कॉलिंग विद अकाउंट्स यू फॉलो, जिसमें मैं फॉलो कर रहा है उनके साथ ही मेरी कॉलिंग हो जाना चाहिए, या नो वन। यहाँ पर मैं नो वन करूँगा तो भाई कोई भी मुझे कॉल नहीं लगा सकता मेरी परमिशन के बिना, या ना कोई भी नहीं लगाएगा। मैं इसे ऑन करूँगा तब जाके लोग मुझे जो जिसे मैं फॉलो करता है उन्हीं के तरफ से मुझे कॉलिंग आने लग जाएगी। और उसके बाद अगर आप नीचे और चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरनल सेटिंग्स भी दिखाई देने लग जाएंगी। भाई ये इंटरनल सेटिंग्स है, इसके बारे में तो भाई अभी ज़्यादा पता नहीं है, जैसे मुझे पता चलेगा तो मैं आपके लिए वीडियोस ज़रूर बना लूँगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, रीच हमारी कम क्यों हो रही है? यहाँ पर रीच आपको कितनी दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे सर 52 मिलियन अकाउंट रीच इन द लास्ट 30 डेज, 30 दिन के अंदर 52 मिलियन, मतलब 5.25 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। मैं आपको लाइव के साथ दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये रीच आपकी कम कैसे हो जाती है। 52 मिलियंस, पहले इनकी 20 मिलियंस थी, फिर से 25 मिलियन, 30 मिलियन, 45 मिलियन, 50 से 52 मिलियंस हो चुकी है। देखिए रीच कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है भाई, आपका जितनी भी रीच कैलकुलेट होती है वो एक मंथ की होती है, ठीक है? यहाँ पर आपको अकाउंट रीच दिखाई दे रही है कितने है, 52 मिलियंस, ठीक है, मतलब 5 करोड़ 24,39,886 रील्स पूरी जा रही है। यहाँ पर सबसे पहला जो वीडियोस आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा वीडियोस है, 28 मिलियंस, ठीक है, 28 लाख, मतलब मार्वन में से अगर 28 चले गए, 30 भी चले गए तो मान के चलिए 12-14 मिलियंस के आसपास हमारे पास इसमें बच जाएंगे, ठीक है, 30, 40, 50, 52 भाई, मतलब मान के चलो 24 मिलियंस हमारे पास बच जाएंगे, मतलब 52 में से 24, क्योंकि ये जो है अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ये रील्स जो दिखाई दे रही है 31 अक्टूबर और आज है मतलब मान के चलिए 30 नवंबर, 31 अक्टूबर 31 नवंबर, ठीक है, तो ये रील्स क्या होंगे कल से हमें दिखाई नहीं देंगे, मतलब टॉप कैटेगरी भी नहीं आएंगे क्योंकि एक मंथ की ही दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ से बैक करूँगा लास्ट 30 डेज और अगर मैं यहाँ पर लास्ट 14 डेज करूँगा और अपडेट करूँगा तो देखिए हमारी रीच कितनी कम हो रही है, सिर्फ 22 मिलियंस ही दिखाई दे रही है। आप पूछेंगे सर इतना ज़्यादा? हाँ, क्योंकि एक रील्स के वजह से ये हो गया है हमारे इसमें, 30 डेज के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ आपको टोटल फॉलोअर्स भी दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे जो बड़े थे बाजू में आपको शो भी हो रहा होगा थर्सडे नवंबर 2 के ऊपर में, ठीक है, 12,000, मतलब फॉलोअर्स हमारे कितने बड़े थे, 12,000, एक रील्स वायरल हुई थी ये वाली जिसमें भाई 28 मिलियन हमारे इसमें आए थे। तो ये क्या होगा, जो ऊपर का 12 ये हट जाएगा और दोबारा ये आगे चलते जाएगा, तो भाई कल के दिन हमारी रीच कम दिखाई देगी। तो हम सोचते हैं कि ये रीच हमारे इसमें कम हो रही, पर हाँ कब तक कम हो सकती है, भाई नेचुरल है, रीच कम होना नेचुरल है और ये कम तब तक हो सकती है जब तक रेड लाइन ऊपर एक मंथ के लिए ना हो। कौन सी लाइन है यहाँ पर, ग्रीन लाइन ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रही, तो भाई इनके इसमें रीच कम ज़्यादा हो रही है और ये नेचुरल है भाई, हर किसी के साथ होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर रीच कम ज़्यादा होती है तब जाके प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको यहाँ पर शो भी कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अकाउंट पे गया हूँ इनकी रीच देख लेता हूँ, 44,000 है, ठीक है, अभी इनकी रीच यहाँ पर ऊपर में आपको शो भी होगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ नॉन फॉलोअर्स कितने थे,
30 दिन से 90 डेज में शायद बढ़ गई होंगी, और इनके टोटल फॉलोअर्स दिखाते हो, देखिए रेड लाइट ऊपर ही ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये अकाउंट में पूरी तरीके से प्रॉब्लम होगी और इनकी रीच कभी भी नहीं बढ़ेंगी। आईडी फ्रीज हो गई, आपको मेल करके इन्हें अनफ्रीज करने के लिए कहना पड़ेगा, वरना आप कितने भी वीडियो डालेंगे एक मंथ दो मंथ तीन मंथ एक प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। अगर इनका मैं 90 डेज का देख लेता हूँ तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, देखिए पहले अच्छा था, ये मंथ में इनका पूरा बर्बाद हो गया। तो जब तक इनकी रील्स वायरल नहीं होगी एक, तब तक इनके इसमें यही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो इसके कारण अगर एक मंथ तक रेड लाइन ऊपर है तो भाई आपकी रीच हमेशा गिरते जाएंगे, मतलब कम ही होते जाएंगे रीच हमेशा, और ज़्यादा लोग अनफॉलो करेंगे तो भाई इससे रीच में तो प्रॉब्लम थे। तो ये क्यों होती है भाई, रीच हमारी कम क्यों होती है? तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक जैसे कंटेंट बनाते रहे हो, ठीक है, एक जैसे कंटेंट नॉर्मल कंटेंट बना रहे, कुछ एक रील्स वायरल हो गए, आपके फॉलोअर्स बढ़ गए, रीच बहुत ज़्यादा गए, पर आपने उसको मॉडिफाई नहीं किया, उसमें मेहनत नहीं किया, सेम ऐसे ही कंटेंट नॉर्मली बना के जल्दी से डाल रहे हो रीच, तो भाई आपके इसमें नहीं होंगे। कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें इंप्रूव करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन वीडियोज बना रहे और ज़्यादा इंप्रूव नहीं कीजिए, और ज़्यादा मेहनत कीजिए उसमें। आप एक घंटा लगा रहे हो एडिटिंग में, दो घंटे लगाइए, कुछ अच्छा कीजिए, इंटरेस्टिंग कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने रीच को बढ़ा सकते हो। अगर पुराने तरीके से अगर आप रीच डाल रहे हो, वीडियोज डाल रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर शो भी कर रहा हूँ इनके वीडियोज, तो देखिए 2,96,000, फिर 1,00,000 पे आ गया, फिर यहाँ पर 1,00,000 पे आ गया, फिर यहाँ पर भी 1,00,000, फिर अचानक से 23,00,000 पे गया है। मतलब भाई एक हफ्ते के अंदर गया है 23,00,000, फिर 2,00,000, फिर 2,00,000, फिर 2,00,000, फिर 97,000, फिर यहाँ पर देखे तो 1,00,000 भाई अचानक से, ये 1,00,000। और ये वीडियोज़ कब के है, अगर मैं शो भी कर रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसको हुआ है नवंबर 24, और आज है एक, मतलब 6 दिन के अंदर इनका 1,00,000 चले गए। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंटरेस्टिंग कुछ कंटेंट बनाइए। अब इन्होंने क्या किया, मैं जब तक यहाँ पर पूरी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या क्या चीज़ें हुई है इनके इसमें, यहाँ पर अगर शो भी कर रहे हो तो 1,00,000 इनके इसमें व्यूज़ आ चुके हैं। तो इनकी रीच कम ज़्यादा हो रही है, तो इनके अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, अल्गोरिदम चेंज होते रहता है। अल्गोरिदम चेंज कहाँ से होता है, सबसे पहले देखिए, कभी लाइक से होता है, कभी कमेंट से होता है, कभी शेयर से होता है। अब हमेशा कहते हो भाई शेयर कीजिए, भाई कभी कभी ये भी कीजिए कि कमेंट कीजिए, मैंने आपको कहा ना कमेंट कीजिए आपके इसमें रीच कितनी है, तो भाई इससे मेरे रील्स वायरल होंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये नहीं हो पाया, इसको अगर मैं चेक करूंगा तो कितना होगा, मान के चलिए ये भी गया होगा 22 मिलियंस, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मिलियंस, 1,00,000, ये 22,00,000 पे गया है, 1,00,000, 1,00,000, 3,00,000, फिर 98,000 तक आ गया है, फिर यहाँ पर 1,00,000, 3,00,000, 8,00,000 से थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पर अचानक से 5 मिलियन, मतलब 50,00,000 पे गया। तो इस तरीके से आपको कंटेंट चेक करते रहना, भाई रीच कम हो रही है तो भाई उस टाइम पे थोड़ी सी मेहनत करना है, थोड़ा सा अल्गोरिदम को समझ के करना है। कभी कभी वॉच टाइम पे भी अल्गोरिदम काम करता है। रील्स आप जितनी भी, इनको मैंने जस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँ, देखिए 10 करोड़ व्यू इनसाइट, कितने सेकंड की रील्स होंगी, 11 सेकंड्स, ये 23 सेकंड्स की, और इनका ये चल रहा है 3 सेकंड्स, मान के चलिए 3 सेकंड 94 रिटेंशन जा रहा है, तो भाई ये काफ़ी अच्छा चला इनका। ठीक है, 23 सेकंड्स की बनाई पर रिटेंशन काफ़ी अच्छा गया आखिर तक लोगों ने देखे। ये चीज़ें रहना चाहिए, क्योंकि लोग पढ़ते हैं ना, अगर ये जुल्म है तो ये जुल्म इस तरीके से पूरा बार बार पढ़ रहा, तो भाई वॉच टाइम तो बढ़ेगा, और वॉच टाइम बढ़ा तो भाई इसी से आपकी रील्स वायरल होती। क्या करना चाहिए भाई, मेहनत तो करनी है आपको, ओके, बैकग्राउंड चेंज कीजिए अगर आपको लगता है, तो बैकग्राउंड के साथ साथ ऑडियो चेंज कीजिए, और एक चीज़ जो बताया गया है, शेयरेबल एंड सेवेबल, कुछ ऐसे कंटेंट बनाइए जो सबसे ज़्यादा शेयर हो रहे हैं, कुछ ऐसे कंटेंट बनाइए जो सबसे ज़्यादा सेव किया जा रहा है। लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, भाई मेरे को सेव कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली सेव करके रख चुका है। ठीक है, ये हो सकता है, या शेयर करना है, यहाँ पर गया आप, शेयर हो गया है, यहाँ से किसी को भी शेयर करेंगे तो डेफिनेटली भाई ये कंटेंट की अल्गोरिदम इस पर काम कर रही है। तो जितना ज़्यादा हो सका बैकग्राउंड ऑडियो का ध्यान रखिए, और शेयरेबल कंटेंट बनाइए, और उसके साथ साथ मॉडिफाई वीडियोज़ का ध्यान दीजिए। थोड़ी सी इनकी क्लिप लिए, थोड़ी सी उनके लिए, थोड़ी सी इनकी, थोड़ी सी इनकी, 4 वीडियोज़ मिला के एक नया वीडियोज़ आपने तैयार की। ठीक है, पर यहाँ पर जो भी वीडियोज़ बन रहे काफ़ी ऑसम बन रहे हैं, तो ये चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको कहूँगा कि भाई ये करना, ओके, हाँ, एक वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं, रीच बढ़ाना है, एक वीडियो आपने अपलोड किया, अब मान के चलिए यहाँ पर मैं किसी और की रीच दिखा देता हूँ आपको, ये रीच है इनकी, मान के चलिए, ठीक है, ये रीच कितनी आ रही, 3.4 मिलियंस, अगर मैं इनकी रीच चेक कर रहा हूँ तो ये रीच यहाँ से मुझे मेरे ख्याल से कम हो रही है, देखिए अभी कम, एकदम से कम चली गई इनकी रीच, 34 मिलियंस थी, अगर मैं मान के चलिए 90 डेज का देखता तो मुझे पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा कवरेज, 1,56,00,000, मतलब भाई 15 मिलियंस के आसपास चल रही थी, अभी इनकी रीच कम हो रही है। पर अचानक से ये कभी भी वीडियोस बनाएंगे तो इनकी रीच ऊपर जा सकती है, क्योंकि रेड लाइन ऊपर हो गई, एक मंथ का टाइम नहीं हुआ, कभी भी ऊपर जाएंगे फॉलोवर्स, भाई रीच इनकी बढ़ जाएंगी, तो फॉलोअर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि रील्स वायरल होंगे, ज़्यादा फॉलो करेंगे, ज़्यादा फॉलो करेंगे तो भाई रील्स के आपकी रीच ऑटोमेटिकली ऊपर ही दिखाई देने
लग जाएंगे। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाए, पहले एक वीडियोस बनाते हैं, अब ये दो या तीन बनाइए, क्योंकि रीच बढ़ाने के लिए ज्यादा व्यूज चाहिए। पहले इसमें व्यूज नहीं आ रहा तो दूसरे तीसरे वीडियोस में आपके व्यूज जरूर आएंगे, पर आईडी नॉन फॉलोअर्स रेड लाइन ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है जिससे मेंटेन करके आप रख सकते हो, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने बोनम इंस्टाग्राम का क्रिएटर कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, आपने बोलेंगे हाँ, तो आपको आज मेल आएगा रीच को लेकर। यहाँ पर मैं अगर चेक करता हूँ जीमेल में, ये आया है मुझे आज नोटिफाई की तरफ से 6.7 बजे के आसपास, कीप द लेटेस्ट, हाँ ये तो हटाइए, इसके नीचे में है यू आर एलिजिबल फॉर अर्जेंट टेक्निकल हेल्प। देखिए, मुझे अचानक से उन्होंने कहा यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो भाई, अर्जेंट आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए, क्या क्या दे सकते हो भाई, अकाउंट डिसेबल हो गया आपका, ठीक है, या फिर सम इंपर्सनेटिंग यू भाई, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हैक्ड हो गया आपका अकाउंट, या भाई आपकी रीच कम हो रही है, आपके फॉलोअर्स डाउन हो रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली हमसे बात कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। फेसिंग एनी ऑफ दिस इशू, डोंट वरी, यू आर एलिजिबल फॉर द रिसीविंग अर्जेंट टेक्निकल हेल्प, तुरंत आपको टेक्निकल हेल्प उनकी तरफ से आएंगे, कॉल आएगा, आपका पूरा अकाउंट का एनालिटिक्स किया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द इंस्टाग्राम टीम। सबमिट है रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्टली एक फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर जाके आप सबमिट कर सकते हो। तो आप एक काम करना, जरूर चेक करना अपनी जीमेल आईडी, अगर आपने बोनम इंस्टाग्राम का क्रिएटर कोर्स कंप्लीट किए होंगे तो डेफिनेटली आपको भी इस तरीके से मेल आएंगे, इनसे डायरेक्टली जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे पहला, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी एक रील्स ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही रील्स लेते हैं जिनमें इतना, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो, तो देखिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेसबुक 6 लाख 6 लाख, 1 करोड़ में से 6 लाख इनको रील्स मिली है फेसबुक से, तो ज़रूर चेक कीजिए आपने अपना आईडी को लिंक किया है या नहीं, ठीक है, मेंटेन करके रखने के लिए। भाई देखो, फेसबुक से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, अगर आप फेसबुक से ट्रैफिक नहीं ले सकते तो कोई मतलब का नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कीजिए शेयरिंग एंड रिमिक्स, और नीचे में जाइए, ये ऑन दिखना चाहिए, रिकमेंडेड ऑन फेसबुक पे, ठीक है, ये आपने सबसे पहले कर लिया। अपलोड एट हाई क्वालिटी, और कभी भी रील्स अपलोड करते हैं भाई वाईफाई शुरू करके कीजिए, लोग क्या करते हैं अपलोड कर देते हैं डाटा, मोबाइल डाटा से, वाईफाई ऑन कीजिए, वाईफाई से जो क्वालिटी की आप रील्स अपलोड कर रहे हैं वही क्वालिटी की सेम रहेंगे। और इसको चेक करने के लिए आप यहाँ से आएंगे नीचे में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है नीचे, और यहाँ पर अपलोड एट हाई क्वालिटी, इसे ऑन कर देना, ऑफ रहेगा ऑन कर देना, ये जरूर चेक कर लेना। और यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन वाईफाई ओनली, ठीक है, डाटा सेवर यहाँ पर क्लिक किया, भाई वाईफाई ओनली से ही आपको करना है, किसी और तरीके से नहीं करना, वाईफाई से क्वालिटी आपको खुद पता चल जाएंगे। तीसरा, थंबनेल्स शुड बी कैची, भाई जो भी आप वीडियोस बनाते हो थंबनेल्स अच्छा रखिए भाई, थंबनेल्स रखने के लिए कुछ नहीं, प्लस बटन पे गए, रील्स पे गए, रील्स एक शूट कर लिया हमने, अब मान के चलिए ये रील्स लिया हूँ मैंने शूट किया, ठीक है, नेक्स्ट किया हूँ मैंने, और उसके बाद और नेक्स्ट किया हूँ। अब देखिए यहाँ पर कैसा मुंह दिखाई दे रहा है, ब्लर हो रहा है, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, अच्छे से अच्छा ये ले सकता हूँ, ये नहीं, ये ठीक है, ये मैंने ले लिया हूँ, कोई भी एक अच्छा सा जो आपको पसंद है वो वाला आप ले सकते हैं, यहाँ से अगर आप चेंज भी करना चाहते हो तो बिल्कुल चेंज कर सकते, या इस तरीके से जो भी अच्छा वाला आ रहा है, ठीक है। इसे क्या करना है, आपको डन करना है, और डायरेक्टली कैप्शन अच्छा वाला लिखना है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मेंशन उसी को कीजिए जो आपके कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हो। आपने कर दिए क्रिस्टियानो, भाई रोनाल्डो को क्यों कर रहे हो, फुटबॉल का है वो, ठीक है, हमने विराट को कर दिया, भाई विराट को क्यों मेंशन कर रहे हैं, वो भाई बैटिंग करेंगे कि आपके जैसे रील्स बनाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर जाइए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाइए, मेंशन किसे करना है, यहाँ से नीचे आइए, कंटेंट फ्रॉम क्रिएटर लाइक यू, आपके जैसे जो कंटेंट बनाते हैं वो सब क्रिएटर के नाम दिखाएंगे। अकाउंट पर जाइए, पहले चेक कीजिए सबसे ज़्यादा जिनके फॉलोअर्स है, रीच जिनकी ज़्यादा, पहले कितने भाई, नहीं है ये कितने हैं भाई, ये भी नहीं है, ये कितने हैं भाई, 3000 है इनको, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है जैस्मिन, ये 1700 है, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको, 2000 है इनका तो एक और कम है, इनके भी कम है, तो आप ज़रूर चेक करना आपसे रिलेटेड कंटेंट कौन कौन बनाता, ठीक है। यहाँ पर मेरे को पता चल रहा है 967 है, जिसके आपसे ज़्यादा फॉलोअर्स रहेंगे उसी को कर देना भाई, ठीक है, ज़रूर चेक करना। और या फिर आपके इसमें यहाँ पर दिखाई देते ना, यहाँ पर आप पेपर पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए और ज़्यादा आपके कंटेंट से रिलेटेड, यहाँ पर ये देखिए ये वीडियोस, इन पे क्लिक करेंगे 86 है इनके, ठीक है, अच्छा है। यहाँ पर भी है अलोन लाइफ, जो भी आपको पता चल रहा है ये भी आपसे कंटेंट से रिलेटेड, तो 9000, तो भाई ऐसे लोगों को मेंशन जरूर करना। तो इसे कर दो तो डायरेक्टली ऐसे बन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तो फ्रेंड्स का चैनल अजा संजय ने ऐसे वीडियो में आपके लिए बनाते रहते, थैंक यू अरविंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।